हर एनसीसी कैडेट को ये पता होना चाहिए कि हथियार की सफाई कैसे की जाती है। तो देखिए यहाँ पे हथियार सफाई हो रही है। ये तमाम हथियार इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन में फायरिंग के लिए जाने वाले हैं। फायरिंग कॉम्पिटिशन में जाने से पहले हथियारों की प्रॉपर सफाई होना बहुत जरूरी है। चिरंजीव बताइए जरा कि सबसे पहले क्या कार्रवाई होती है हथियार सफाई में? मैम सबसे पहले तो किसी भी वेपन की एफिशिएंसी और पावर को जिंदा रखने के लिए या वेपन्स के जो लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए हमें समय समय पर वेपन्स की साफ सफाई करनी पड़ती है ताकि वक्त जरूरत पड़ने पे हमारा वेपन हमें कभी धोखा ना दे। सफाई विभिन्न प्रकार की होती है जिसके अंदर साप्ताहिक जिसको हम वीकली मेंटेनेंस बोलते हैं, मंथली मेंटेनेंस होता है, क्वार्टरली मेंटेनेंस होता है, हाफ ईयरली और एनुअल इंस्पेक्शन होता है जो हम साल में एक बार कराते हैं। लेकिन अमूमन तौर पे जब हम फायरिंग के लिए जाते हैं या फायरिंग से पहले हम क्या करते हैं हथियार को अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं ताकि फायरिंग करते वक्त हमारे वेपन्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या रुकावट ना हो। लिहाजा हमारा एक कैडेट अभी फायरिंग के लिए जा रही है जिसको हम अपनी वेपन्स को तैयार करके इन्हें देंगे ताकि इन्हें फायरिंग कम्पिटिशन के दौरान वेपन्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हासिल हो पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो है वो वेपन को साफ करने का तरीका के बारे में बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आप सरसिया तौर पे एक बार वेपन को ऊपर से लेकर नीचे तक निरीक्षण करें, वेपन के अंदर कोई जंग तो नहीं लगी हुई है, बाहर से कोई टूट फूट तो नहीं है। आपने एक बार निरीक्षण कर लिया, फिर मेनली हमारे पास जो वेपन्स है वो 0.22 राइफल है जिसके अंदर ज़्यादा हस्ते पुर्जे होते नहीं हैं। तो इसको खोलने का आसान तरीका है कि आप इस रोटेटिंग बोल्ट के जो बोल्ट है उसको अपर की तरफ करें, उसके बाद ट्रिगर को प्रेस करते हुए पुर्जे को पीछे की तरफ निकाल दें। उसके बाद आपके पास वेपन साफ करने के लिए 0.22 राइफल को सफाई के लिए सिर्फ हमें एक रोड की जरूरत पड़ती है जो मेरे हाथ में है। इसमें 0.22 राइफल के किसी भी वेपन का जो चिंदी का साइज होता है वो हर एक वेपन का अलग अलग होता है। तो 0.22 राइफल का चिंदी का साइज है 3x2, 3 इंच चौड़ा, 2 इंच लंबा। तो आप इसमें ये मेरे सामने जो है ये एक चिंदी का बंडल है, इसमें से हम इसके साइज के हिसाब से हम चिंदी को निकाल लेंगे। तो चिंदी को निकाल लिया हमने, सीखे हुए तरीके से वेपन को कंधे पे रखे, रॉड का जो लूप होल बना हुआ है जिसके अंदर हम चिंदी को फंसाते हैं वो आप देख रहे हैं, मैं इसमें आसानी से चिंदी को फंसाऊंगा। ये आपका चिंदी रॉड के साथ अटैच हो गया है। ये एक आदमी इस राइफल को आसानी से साफ कर सकता है, इसमें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी आप बैरल को ऊपर से इस चिंदी को रॉड के साथ ही बैरल में दाखिल करें। दो या तीन बार खींचने से और अंदर करने से क्या बैरल ही आसानी से साफ हो जाता है, क्योंकि इसका मेटल इस प्रकार का बना हुआ है कि ये आसानी से साफ होने वाले वेपन्स में से है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा जंग लगी हुई है तो आप इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रैफल का बैरल साफ हो चुका है, रैफल को नीचे रखें, रोटेटिंग बोल्ट को उठाएं, इसके हिस्से पुर्जे को देखें, कहीं कोई जंग तो नहीं है। अगर जंग है तो किरोसिन या गर्म पानी की मदद से इसको साफ करें। फायरिंग पिन की पोजीशन को देखें, देखिए जैसे हम रोल्ट को दाएं और बाएं ट्विस्ट करेंगे तो अभी किसका फायरिंग पिन अंदर चला गया, जैसे हम बोल्ट को फिर अंदर की तरफ ट्विस्ट करेंगे ये फायरिंग पिन बाहर आ गया, इसका मतलब इसका फायरिंग पिन काम कर रहा है। इसका रोटेटिंग बोल्ट साफ हो गया। अभी इसका देखने वाला चीज एक ही बचता है कि इसका चैम्बर गंदा तो नहीं है। यह इसका चैम्बर है जहां से रॉन बैरल के अंदर दाखिल होता है। तो चैम्बर को हमारे पास क्या चैम्बर ब्रूस नहीं होने की वजह से हम लोग कच्ची लकड़ी से साफ करते हैं। अगर आपका चैम्बर गंदा होगा फायरिंग करते हुए या तो राउंड फीड नहीं हो पाएगा या फिर बाहर नहीं निकल जाएगा, वो कटा हुआ केस इसके अंदर फंस जाता है। तो आपने चैम्बर का ध्यान रखना, चैम्बर आपका अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। आप इसको सूखी या गीली लकड़ी से अच्छी तरह से रगड़ें इस तरह से। इसका चैम्बर अभी साफ हो गया, आप फिर साफ कपड़ा या चिंदी लें और इसके चैम्बर को अच्छी तरह से साफ कर दें।
राइफल को नीचे रखे, पुर्जे के ऊपर हल्का तेल लगाए। ये हमारे पास तेल है। ये कौन सा तेल है? OX-52। ओके। आपने हल्का ज़्यादा गीला नहीं करना है क्योंकि आप फायर के लिए जा रहे हो, आपको वहाँ पे फायरिंग करने से पहले भी वेपन को साफ करना है और फायरिंग के बाद भी साफ करना है। आपने हर एक पुर्जे में थोड़ा सा हल्का सा तेल लगाना है। ये इसका मैगजीन बे है, मैगजीन बे को भी हल्का गीला कर दे क्योंकि मैगजीन बार बार जाने आने से जंग पकड़ने का खतरा बना रहता है। ये आपका रेंज ड्रम है, रेंज ड्रम के ऊपर भी लगा दें ताकि रेंज को शिफ्ट करने में कोई आसानी ना हो। काफ़ी दिन तक एक ही रेंज पे लगा रहने से क्या यहाँ जंग पकड़ लेगा और रेंज ड्रम आपका आगे पीछे नहीं होगा। अमूमन ये लकड़ी का बना होता है, इस पर हम वार्निश लगाते हैं लेकिन हमारे पास वार्निश नहीं होने की वजह से हम राइफल को थोड़ा चमक दिखाने के लिए हम इसके ऊपर भी हल्की तेलों का इस्तेमाल कर देते हैं ताकि ये बाहर से साफ सुथरा दिखे। अभी आप सीखे हुए तरीके को से क्या है, अपने रोटेटिंग बोल्ट को पाथवे में दाखिल करें। ये देखो अपनी से पहले बैठ गया। इसका लॉकिंग नट अभी ऊपर है, इसको हमने क्या करना, थोड़ा ताकत के साथ नीचे प्रेस करना। ये प्रेस हो गया। अभी हमारा राइफल क्या है, कॉक है। हमेशा ध्यान रखें जब सामने कोई जिंदा टारगेट या कोई जिंदा इंसान है तो हमने टारगेट को हमेशा अपने बैरल को दाएं या बाएं लेके इसके ट्रिगर को प्रेस करना है, सामने प्रेस नहीं करते क्योंकि ये एक हथियार है और हथियार के साथ कोई मजाक नहीं किया जाता है। यहाँ पर इसके साफ सफाई का पूरा जो पीरियड है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।